हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू फोरक्लोज ICICI क्रेडिट कार्ड EMI। दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है फोरक्लोज, आपको अगर किसी भी रीज़न की वजह से यहाँ पे करना है तो कैसे करना है और क्या है इसका प्रोसेस, यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों बिना स्किप किए आपको एंड तक देख लेना है वीडियो को। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पे आपको सिंपली जीमेल ओपन करना है और जीमेल लिख के आपको सेंड करना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम का कॉलम लिखना है और नेम के कॉलम में आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नंबर का कॉलम डालना है और नंबर के कॉलम में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको टाइप करके लिख देना है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट का कॉलम लिखना है, स्पेस देना है। और रिक्वेस्ट के कॉलम में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मेरा सेम टू सेम कॉपी करके लिख लेना है जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ। आपको लिखना है प्लीज़ फोरक्लोज माय ICICI क्रेडिट कार्ड EMI लोन। आगे आपको लोन लिख देना है और ये लिखने के बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट का कॉलम दिख रहा है, तो सब्जेक्ट के कॉलम में भी आपको मैं जो लिख के बता रहा हूँ वही आपको सेम टू सेम मेरा कॉपी कर लेना है। आपको यहाँ पे लिखना है ICICI क्रेडिट कार्ड EMI लोन फोरक्लोज रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपको इतना लिखना है। उसके बाद ICICI की जीमेल आईडी आपको डाल देना है। मैं आपको बता देता हूँ क्या है जीमेल आईडी, देख सकते हो आप, customer.care@icicibank.com। ये जीमेल आईडी पे आपको अपना ईमेल अच्छे से लिख के सेंड कर देना है। ये पूरा होने के बाद आपको अपना ईमेल अच्छे से एक बार चेक कर लेना है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके बाद ही आपको सेंड करना है। और दोस्तों, जैसे ही आप सेंड करोगे तो सेंड के ऑप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका यहाँ पे ईमेल सेंड हुआ है या नहीं। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, सेंड में नहीं होता है, नेटवर्क इशू होता है, तो आपको ये चेक कर लेना है सेंड के ऑप्शन में जाके। और दोस्तों, जैसे ही आप सेंड करोगे तो आपको थोड़ा वेट करना है रिप्लाई आने के लिए, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक का आपको वेट करना होता है। यहाँ पे रिप्लाई आएगा आपको, ICICI बैंक की तरफ से ईमेल आ जाता है आपको, और ईमेल क्या आएगा ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको ईमेल आएगा थैंक यू फॉर राइटिंग अस, और मतलब आपका जो रिक्वेस्ट है, आपने जो किया है रिक्वेस्ट, वो एक्सेप्ट हो चुका है। वो लोग आपके ईमेल को देखेंगे और वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे और आपको बता देंगे कि आपकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट हो चुकी है और आपका जो फोरक्लोज करना चाहते हो ICICI क्रेडिट कार्ड EMI लोन, वो क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना।